महाआदि सात लोकों तथा सात पातालों का और वहां के निवासियों का वर्णन, वैष्णवी तथा शांभवी शक्तियों का वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विश्रेष्ठों, ध्रुव के ऊपर 1 करोड़ योजन विस्तार वाला महरलोक है, वहां कल्प के अधिकारी गण निवास करते हैं। इसी प्रकार महरलोक से ऊपर 2 करोड़ योजन वाला जनलोक है, वहां ब्रह्मा के मानस पुत्र सनंदन आदि रहते हैं। जनलोक से ऊपर तपोलोक 3 करोड़ योजन का है, वहां दाह रहित वैराज नामक देवता रहते हैं। प्राजापत्य लोक अर्थात तपोलोक के ऊपर 6 करोड़ योजन का सत्य लोक है, वहां अपुन मारक जन्म मरण से रहित जन रहते हैं, वह ब्रह्मलोक कहा गया है। यहाँ परम योगामृत का पान कर विश्वतोमुख विश्वात्मा लोक गुरु ब्रह्मा योगियों के साथ नित्य निवास करते हैं। शांत स्वभाव वाले यतिगण, नैष्टिक ब्रह्मचारी, योगी, तपस्वी, सिद्ध तथा परम सृष्टि का जप करने वाले यहाँ प्रवेश करते हैं। परम पद को प्राप्त करने वाले योगियों का वो एकमात्र द्वार है, वहां पहुंचकर लोग शोक नहीं करते, वही यहाँ निवास करने वाला विष्णु है, शंकर है। करोड़ों सूर्य के समान उन ब्रह्मा का वो पुर अत्यंत दुर्गम है, अग्निशिखा की मालाओं से समन्वित उस पुर का मैं वर्णन नहीं कर सकता। ब्रह्मा के उस पुर में नारायण का भी भवन है, वहां मायामय परम मायावान श्रीमान हरि शयन करते हैं। पुनरागमन से रहित वो पुष्णुलोक कहा गया है, जो जनार्दन के शरणागत हैं, वे महात्मा वहां जाते हैं। उस ब्रह्म सदन से ऊपर ज्योतिर्मय अग्नि से व्याप्त कल्याणकारी पुर है, वहां सैकड़ों हजारों योगियों, भूतों तथा रुद्रों से परिवृत मनुष्यों के द्वारा ध्यान किए जाते हुए वे भगवान भव महादेव देवी पार्वती के साथ निवास करते हैं। वहां वे ही जाते हैं जो संयमी ब्राह्मण है, ब्रह्मचारी है, महादेव परायण है, शांत तपस्वी और ब्रह्मवादी हैं, ममत्व रहित, अहंकार शून्य तथा काम क्रोध से रहित हैं, ब्रह्मज्ञान संपन्न ये व्यक्ति इस लोक का दर्शन करते हैं। उस लोक को रुद्रलोक कहा गया है। हे द्विजों, पृथ्वी के ये 7 महालोक कहे गए हैं। पृथ्वी के अधोभाग में महातल आदि 7 पाताल हैं। महातल नामक पाताल सभी रत्नों से सुशोभित और अनेक प्रकार के महलों और शुभ्र देव मंदिरों से संपन्न है। वो महातल अनंतनाग, धीमान, मुचुकुंद एवं पाताल स्वर्गवासी राजा बलि से उपयुक्त है। हे विप्रो, रसातल शैलमय है, कलातल शर्करामय है, सूतल पीतल वर्ण का कहा गया है, नीतल विद्रम मूंगे के समान वर्ण वाला, वीतल श्वेत वर्ण का और तल कृष्ण वर्ण का कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठों, शुभ रसातल गरुड़, वासुकी, नाग तथा अन्य महात्माओं से सेवित कहा गया है। सभी शोभाओं से युक्त तलातल विरोचन, हृणाक्ष तथा तक्षक आदि के द्वारा सेवित कहा गया है। सूतल, वैनतेय आदि पक्षी, कालनेमी प्रभृति दूसरे श्रेष्ठ असुरों से समाकीर्ण है। तारक, अग्निमुख आदि यवन और महान अंतक आदि नागों तथा असुर प्रहलाद से नीतल नामक पाताल सेवित है। वीतल नामक प्रसिद्ध पाताल कंबल नामक नागराज, महाजंब और वीर हयग्रीव से सेवित है। तल नामक पाताल शंकुकर्ण से युक्त तथा प्रधान नमुची आदि दैत्यों तथा अन्य विविध प्रकार के नागों से सुशोभित है। उन पातालों के नीचे माया आदि नरक कहे गए हैं। उनमें पापी लोग यातना पाते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। पाताल लोक के नीचे शेष नाम वाली वैष्णवी मूर्ति विद्यमान है, जिसे कालाग्नि, रुद्र, योगात्मा, नारसिंह, माधव, अनंत, देव और नागरूपी जनार्दन भी कहा जाता है। ये सब उन्हीं के आधार पर टिका है और वे कालाग्नि के आश्रित हैं। उनमें प्रविष्ट होकर और उनके मुख से प्रकट हुई विष की ज्वाला रूप होकर महायोगी काल स्वयं अंत में जगत का संहार करते हैं। हजारों माया वाला एवं शंकर से उत्पन्न अद्वितीय काल संहार करने वाला है। वो शंभु की ताम सी मूर्ति है, काल ही लोगों का संहार करता है।